हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम है SSCIQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम रीजनिंग का टेस्ट लेने वाले हैं। 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, उसका सारा डिटेल ये सामने है आपके, ये देखिए यहाँ पर, ये है SSC रीजनिंग टेस्ट। 10 क्वेश्चन, 24 आवर्स का टाइम होगा। आंसर आप सबसे लास्ट में, बॉटम में कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, विथ टीम कोड। आपको टीम कोड के साथ आंसर करना है। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो एक्सप्लेन भी कर दें, वो उससे हमें वो फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आप उसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो मैं अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, वन बाय वन क्वेश्चन कैसे हैं, आप सॉल्व करें, आंसर करें। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्योर, डिसीज, हील, ऑप्शंस में क्या है, इलनेस है, इंजरी है, रिकवर है, सिक है। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है जो आपको सेट हो रहा है। जैसे क्योर का रिलेशन डिसीज से है, वैसे ही हील का रिलेशन इन चारों में से एक ऑप्शन जो सही है उससे होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे DBCE, QOPR, JLKI दिया है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, YWXU, WYXV, WXYV, WYVX। इन चारों में से एक आपको फाइंड करना है, कौन सा इस पे सूट होता है, इसमें कौन सा लॉजिक सूट होता है, और उसको कमेंट बॉक्स में विथ एक्सप्लेनेशन टीम कोड के साथ आंसर करना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर्स नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक पेयर ऐसा है जो सूट नहीं कर रहा है, उसका लॉजिक इन पे सूट नहीं करता, उसको आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए में है हाई अप, ऑप्शन बी में है पास्ट प्रेजेंट, सी में है ऑफ एंड सेल्डम, डी में है फ्रेश स्टिल। इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट, विच वन कम्स फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। यहाँ पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है कि कौन सा फर्स्ट आएगा, अगर हम इसको अरेंज करें ABCD अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो कौन सा लेटर फर्स्ट आएगा, कौन सा वर्ड फर्स्ट आएगा। टेम्पल है, टीनेंट है, टर्मिनेट है, टेम्परेचर है। ऑप्शन ए है टेम्पल, बी है टीनेंट, सी है टर्मिनेट, डी है टेम्परेचर। इसमें से एक ऑप्शन सही है, तो उसे आपको चूज करना है, फाइंड करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में विथ टीम कोड लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इफ़ इट इज़ सैटरडे ऑन 27th September, व्हाट डे विल इट बी ऑन 27th October ऑफ द सेम ईयर। क्वेश्चन में है कि इफ़ इट इज़ सैटरडे, अगर 27 सितंबर को सैटरडे है तो 27 अक्टूबर को सेम ईयर में कौन सा दिन होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, ए थर्सडे, बी संडे, सी फ्राइडे, डी मंडे। इन चारों में से एक सही है, आपको उसको चूज करके आंसर कमेंट बॉक्स में करना है विथ टीम कोड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इफ 24 × 2 = 84 एंड 32 × 3 = 69, देन 33 × 3 = what। क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, ए 38, बी 93, सी 16, डी 10। अब इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें विथ टीम कोड। अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो और अच्छा है, आप एक्सप्लेनेशन का आपको +3 marks अलग से दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता और वो लोग कर नहीं पाते। इसमें आप, हो सकता है ऑप्शन गलत हो तो आप ऑप्शन पे मत जाना, आप क्वेश्चन देख लें, सही हो आप अपने हिसाब से सही करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि जो क्वेश्चन में दिया हो वो ऑप्शन सही हो, गलत भी हो सकते हैं, बट हम पूरी कोशिश करते हैं गलत ना हो, इसलिए आप अपने हिसाब से सॉल्व करें और उसका एक्सप्लेनेशन भी दें। इस क्वेश्चन में 2 tables दिए, matrix 1, matrix 2, और इनमें से वर्ड बियर के लिए आपको कोड फाइंड करना है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए, इसमें से एक कोड सूट करेगा इस पे बियर के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राम वेंट टू 20 meters to the north, देन टर्न टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉकड एन
another 5 meters, then he turned towards right and covered 20 meters. How far is he from the starting point? राम जो है 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वहाँ से ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है और फिर 5 मीटर तक चलता है, फिर क्या करता है, फिर वो राइट मुड़ता है और फिर 20 मीटर चलता है। अब वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, यही पूछा है इसमें। चार ऑप्शन दिए हैं, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, चारों में से एक ऑप्शन सही है, आप उसको चूज करें और आंसर को विथ एक्सप्लेनेशन आंसर करें। आप कभी कभी हमारे ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं, तो इस पर मत जाएं, आप अपना कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन करें, आंसर दें, ठीक है, राइट आंसर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ कोर पी इज डिनोटेड बाई 7x/9, m/z, z/8, l/b, l/2, p/1, देन zl(t px)n। पूछा है कि अगर P को 7 से, X को 9 से, M को 5 से, Z को 8 से, L को 2 से और T को 1 से डिनोट किया जाए, तो ZLTPXM की इसमें से कौन से पे शूट करेगा, उसका कोड क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, 81, 28, 51, बी ऑप्शन में 82, 15, 51, 91, सी ऑप्शन में है 81, 27, 15, डी ऑप्शन में है 82, 17, 95। इनमें चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आप चूज करें और विथ एक्सप्लेनेशन आंसर को कमेंट कर दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन साइलोरिज्म का है, मैंने इसका वीडियो भी बनाया था इससे कि कौन सा कैसे सॉल्व करना है, क्या मेथड है इसका, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, बट आप इसको पहले आप खुद से सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारा फॉल्ट था और क्या हम गलत कर रहे हैं और क्यों हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं इसको, क्या हमें सीखना है, क्या हमारी कमियाँ हैं। इसमें दिया हुआ ऑल गोट्स आर टाइगर्स, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल टाइगर्स आर लायंस। अब उसके इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि कौन सा कंक्लूजन इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे सही हो सकता है। फर्स्ट नंबर है ऑल टाइगर्स आर गोट्स, सेकंड है ऑल लायंस आर टाइगर्स, तीसरा है नो गोट्स इज ए लायन, और चौथा कंक्लूजन है नो लायन इज ए गोट। अब इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट पे सूट करता है वो आपको देखना है, उसके अब मेथड मैंने बताया है, आप अपने से खुद से सॉल्व करें और फाइंड करें। यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, बी ऑप्शन में है फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, सी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस फॉलोज, डी ऑप्शन में है सारे फॉलोज, ऑल कंक्लूजन फॉलोज। तो इसमें से एक ऑप्शन सही है, आप फाइंड करें सेल्फ से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा, उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोग कहेंगे तो हम और भी वीडियो बनाएंगे। आपको जो भी बताना है वो कमेंट में ज़रूर हमें नोट करें, आपको जिस तरह जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए उसको कमेंट में लिखें, अपनी रिक्वायरमेंट लिखें और प्रॉब्लम लिखें, कौन सा समझ में नहीं आ रहा, किस तरह का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू। आपको आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेस्ट के क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को भी बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर सकें। अभी यहाँ पर 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है कि आप यहाँ पे आंसर कर सकें, और आपका टीम कोड के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो टीम कोड के लिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आपका टीम कोड क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको एक टीम देंगे और उस टीम के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो टेस्ट में। Thank you for watching this video. Be continue with us and subscribe channel.